हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए, और इसमें हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। उसकी पहली यूनिट हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है, कौन सी? एल्किन्स। एल्किन्स में हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स। तो इसके मेथड पढ़ेंगे हम एल्किन के फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे आप लिख लेना, पहले तो आप ये डाल लेना हेडिंग मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स। उसके नीचे आपने ये लिखना है, मुझे याद नहीं रहा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ये दिख रहा होगा ठीक से, ये लिखने के बाद इसके अंदर ये आएगा, ठीक है? पहले इसके इधर ये लिख लेना, समझ गए होंगे क्या बोल रही हूँ मैं। पहले आप ये लिख लेना मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स, उसके बाद ये पहला पॉइंट डाल लेना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करके हम क्या निकालेंगे? एल्किन्स। एल्किन्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से हम क्या बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड के एल्किन। तो पहले आप ये डाल लेंगे, फिर उसके अंदर हमें ये लिखना है, ठीक है? रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। कौन कौन से होते हैं ये हाइड्रोजन हैलाइड? HCl, HBr और HI फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ एन एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इट इज कैरीड आउट बाय हीटिंग एन एल्किल हैलाइड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaOC2H5। ये NaOC2H5 एक साथ लिखा हुआ है, वहाँ नीचे गई थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये आप ऐसे लिख लेना NaOC2H5, ठीक है? ऐसे लिखना है। और एक कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अभी पहले बता दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम आराम से। इसमें क्या है, अगर किसी एल्किल हैलाइड, ठीक है, अगर किसी एल्किल हैलाइड के में से एडजेसेंट एल्किल हैलाइड के एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन हैलाइड्स के, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के क्या रिमूव हो जाए? कार्बन एटम, ठीक है, एलिमेंट्स क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, उनको क्या बोलेंगे हम? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या है? अगर किसी एल्किल हैलाइड में से एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स रिमूव हो जाए तो वो क्या कहलाता है हमारा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो अगर हम थोड़ा इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है, और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल लेते हैं, उसे हीट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। पूरा लिखा हुआ है क्या, एल्किल हैलाइड लेंगे, उसे हीट करेंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि NaOC2H5 है, या फिर क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लियर? और हमें क्या मिल जाती है फिर, एल्किन। क्या करेंगे, या तो हम एल्किल हैलाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्या मिल जाती है, एल्किन्स। तो एक एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ, ये एग्जाम्पल CH3CH2Br+, ये KOH होगा हमारा, ये तो हमारा एथिल ब्रोमाइन, एथिल या इथाइल जो भी आप बोलते हो, ब्रोमाइड, ये हमारा क्या हो गया, KOH, इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इथाइलिन एथिलीन, जो भी आप बोलो इथाइलिन या एथिलीन, वो हमें मिल जाएगी, प्लस KBr भार और H2O ये भार, ये हमारी मिल गई हमें एथिलीन। ये देखो हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, उसे KOH
के साथ क्या करा, हीट करा, हमारा क्या, हमें क्या मिला, एथिलीन सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस के बी आर और प्लस एस टू बाहर निकल गया। अब आप ये सोचोगे ये कैसे आया, अब इसके हम मैकेनिज्म देखेंगे ना, मैकेनिज्म में आपको पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मैकेनिज्म देखेंगे अब इसकी तो क्या हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीन शॉट लो। अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, ये एग्जाम्पल एक और एक एग्जाम्पल दो, ये सी एस थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एल वन क्लोरो प्रोपेन, इसको क्या करेंगे हीट करेंगे, के ओ एच लेंगे, कैसा एल्कोहलिक, ठीक है एल्कोहलिक के ओ एच के साथ, यहाँ भी ये क्या है एल्कोहलिक है ना, वैसे तो यहाँ पूरा लिखा हुआ लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम इसे हीट करेंगे, हमें मिल जाएगी एल्कीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस के सी एल, यहाँ ब्रोमाइड था यहाँ क्लोराइड है तो क्या होगा यहाँ के सी एल निकलेगा और प्लस एस टू ओ बाहर। अब लो स्क्रीनशॉट, फिर इसकी मैकेनिज्म देखोगे ना आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें क्या है ई टू एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कोई वो नहीं आप लिख लेना फुल आर ई ए सी टी आई वन। तो इसमें क्या है देखो, हमारे पास मेजोरिटी ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जो हमारे पास मेजोरिटी है ऑफ एल्किल हैलाइड की, उनकी हम क्या कराते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, हमने अभी पढ़ा था हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड के एलिमेंट्स का रिमूवल, कहाँ से एल्किल हैलाइड के एडजेस्ट कार्बन एटम को, के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट का रिमूवल, किसका रिमूवल हाइड्रोजन हैलाइड्स के, ठीक है कार्बन का क्या एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन हैलाइड्स के कार्बन का एलिमेंट्स का रिमूवल कहाँ से एल्किल हैलाइड्स के एडजेसेंट कार्बन एटम से, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो अब इसमें देखो इसका क्या कराते हैं, जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड जो है उनकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम कराते हैं बाय ई टू मैकेनिज्म, ठीक है ई टू के द्वारा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टडीज ऑफ दिस रिएक्शन द रिएक्शन फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो क्या हुआ और जब हमने इस रिएक्शन की क्या देखी काइनेटिक स्टडीज देखी, इस रिएक्शन की क्या देखी काइनेटिक स्टडीज देखी, तो इसमें हमें क्या पता चला कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती है फॉलो करती है, उसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन कंप्लीट है तो उसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है एल्किल हैलाइड और एज वेल एज बेस की, ठीक है। तो ये एल्किल तो कंसंट्रेट, इसके बारे में हमने काइनेटिक और रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में 12th में था ये सारा कुछ, ये आपने पढ़ी रखा होगा। तो आप देखो इसमें रिएक्शन में क्या है ये रेट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ लिखो रेट क्या है प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड और बेस, एल्किल हैलाइड बेस, क्या है इसका मतलब, ये जो रिएक्शन है क्या है वन स्टेप प्रोसेस रिएक्शन है, ठीक है। क्या है यहाँ पर क्या होगी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी ट्रांजिशन स्टेट की क्या होगी फॉर्मेशन होगी, कैसे होगी ये देखो, पहले मैं लिख दूं क्या होगी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, अभी रुको इसे मत करो क्योंकि हम नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो इससे नीचे एक और लाइन लिखो, पहले इससे पहले लिखेंगे हम दिस मीन्स दैट ई टू रिएक्शन इज ए
इज ए वन स्टेप प्रोसेस एंड अकर्स पहले ये वाली लाइन आएगी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब इसकी रिएक्शन देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट वाली, जिसमें हमें क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब देखो जो हमें इसमें ट्रांजिशन स्टेट मिली है, तो हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे करते हैं, किसके, एल्केल हैलाइड की। तो पहले क्या करते हैं, हम एल्केल हैलाइड को लेते हैं, एल्केल हैलाइड लेते हैं, उसे क्या करते हैं, हम हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये तो पढ़ा था हमने अभी पहले, जो पढ़ा था इससे प्रीवियस वाली रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें ये तो बताया था कि एल्केल हैलाइड लेते हैं और इसे हीट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस या विद कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक विद सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस से हमारे पास यहाँ पर, बेस से जो है हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखो क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये इधर दिखेगा, यहाँ है ये OH, OH नेगेटिव है, ये है यहाँ OH, HO OH, ये दिख रहा है शायद, हाँ ये है यहाँ, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा बेस, क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन। इसने क्या करा, अपना काम करना शुरू कर दिया, इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ये यहाँ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब इसने क्या करा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड है दिख रहा है ना इधर, ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो गया, क्या होना शुरू हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया, इतना क्लियर हो गया। और एक न्यू पाई बॉन्ड क्या कर रहा, बनना शुरू हो गया, ये ब्रेक होना, ये तो इसने क्या करा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और ये सी एच बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गया। तो इस, अब क्या हुआ आगे सुनो, और नया बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड बनना शुरू हो गया, किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, क्या न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये या डॉटेड डॉटेड में जो शो हो रहा है, ये न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है किसके, कार्बन कार्बन के। और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ है हमारा पी आर, ठीक है, ये क्या है हमारा लिविंग ग्रुप, ये क्या करना शुरू कर देता है, डिपार्चर करना शुरू कर देता है, ये भी डिपार्चर की तैयारी करने लगा और अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को भी ले जाना चाहा इसने। वो कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कार्बन हैलोजन के बीच में क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हमने क्या करी, ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है, ये ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है। तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास ये फॉर्म हो गया इथाइलीन, ये है हमारे पास एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, अब आप इससे सुन लो, ये वाला ध्यान से समझ लो। हमने पढ़ा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं और क्या करते हैं, विद स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे हमारा क्या आ गया, ये हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, ठीक है। तो क्या करा इसने, अपने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, इसने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ क्या करा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो क्या हुआ, ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो गया, ठीक है, सी एच सिग्मा बॉन्ड जो है ये ब्रेक होना शुरू हो गया और एक न्यू पाई बॉन्ड बनना शुरू हो गया,
ठीक है, ये तो ब्रेक होना शुरू हो गया और कार्बन कार्बन के बीच एक न्यू सिग्मा बॉन्ड क्या होने लगा, फॉर्म होने लगा, बनना शुरू होने लगा, सॉरी पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखो ये शोर, यहाँ तो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है बॉन्ड, और यहाँ क्या हो रहा है, सी एच के बीच ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक, वही चीज यहाँ करी गई है। अब आपको शायद से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ टूटना शुरू हुआ है यहाँ, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक, सॉरी बनना शुरू हुआ है। इतना समझ में आ गया ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। और ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है, ये क्या होने लगा, ये भी डिपार्चर की तैयारी करने लगा और अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी ले जाना चाहा, जहाँ इसने वो जहाँ किस कहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कार्बन हैलोजन के बीच में है, ठीक है, क्या है जो कार्बन और हैलोजन के बीच में है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर को भी इसने ले जाना शुरू करा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हमने ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया। देखो ट्रांजिशन स्टेट में ये शो हो रहे हैं, ये क्या हमारे ट्रांजिशन स्टेट है, और फिर हमारी क्या फॉर्म हो गई, हमारे पास फॉर्म हो गया इथाइलीन। तो आपको पहले वाली रिएक्शन जो होती है, इससे प्रीवियस वाली जो स्टार्टिंग में आई थी, तो आपको पता चल गया होगा, तो हमारी इथाइलीन हमें कैसे मिली, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो इथाइलीन हमें ऐसे मिली थी जो हमने शुरू में रिएक्शन पढ़ी थी। अब क्या है यहाँ पर देखो, हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट भी रिमूव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम एडजस्ट कार्बन एटम ऑफ एल्किल हैलाइड। इसी को तो हमने क्या बोला था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसी को तो बोला था हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलाइड्स के एलिमेंट्स रिमूव होना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कहाँ से रिमूव होना, फ्रॉम एडजस्ट कार्बन एटम, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, हमारे पास जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है एल्किल हैलाइड की, वो हो रहे हैं थ्रू कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म की मीन्स यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड कंसंट्रेटेड का जो मतलब है कंसंट्रेटेड का, तो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है, ठीक है, साइमेंटसली हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो सी एच और बी आर के बीच में हमारे जो सिग्मा बॉन्ड है, ये तो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, सी एच और बी आर के बीच जो है सिग्मा बॉन्ड, ये तो ब्रेक हो रहा है, और हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड क्या है, वो फॉर्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच ये वाला बॉन्ड क्या है, ये हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास हम बोल रहे हैं ये जो डिहाइड्रोहलाइजेशन है एल्किल हैलाइड्स की, ये हो रही है थ्रू कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर डाल लेना, पॉइंट्स टू पॉइंटर वो लिखेंगे हम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स या नोट कुछ भी करके आप डाल लो अपनी कॉपी में, ये यहाँ दिख रहा होगा पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो इसमें क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स अकर बाय कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है किसका, एल्किल हैलाइड्स का, अकर्स होता है किसके द्वारा, बाय कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं बताया, वही जो अभी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट वाली पढ़ी थी वही है, कार्बन हैलोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है, ब्रोकन होता है, कौन सा, कार्बन हैलोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड तो ब्रोकन होता है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड क्या होता है, बनता है, फॉर्म होता है ये, और ये क्या होती है, एक ही टाइम पे होती है ये चीज़ यहाँ पे लिखी होती है, कैसी होती है, एट द सेम टाइम। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन आर ऑलवेज अकम्पाइंड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल, इन द प्रीवियस रिएक्शन अलोंग विद एथाइलीन सम एथिल अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज फॉर्म्ड। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी क्या होगा, बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेगा, यही चीज़ इसमें क्या लिखी है, क्या इसके साथ साथ क्या बनेगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, और साथ में क्या क्या बनेगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेगा कुछ अमाउंट में। जैसे कि अभी पहले हमारे पास क्या हुई थी, अभी हमने देखा था हमारे पास इथाइलीन क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी, देखा था ना हमने, उसके साथ कुछ ना कुछ
क्या प्रोडक्ट मिला था हमें, एथिल अल्कोहल भी फॉर्म होगा, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इससे पहले वाले रिएक्शन में आपने देखा होगा इथालेन तो मिला ही था, एथिल अल्कोहल भी, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरे वाली क्या इवन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ेंगे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो इवन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो इसमें क्या है, व्हेन वी हीट सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड्स, जब हम सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो टर्शरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में अब देखिए, जब हम टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड्स को हीट करते हैं किसी एक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में, तो हमें क्या मिलता है, एल्किन हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखो, ये ले लिया हमने टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये क्या हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया, और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एथिल अल्कोहल, हीट करा और हमारे पास क्या आ गया, आइसो ब्यूटालिन, तो ये हमारी क्या मिल गई, हमें एल्किन मिल गई और बाहर निकल गया हमारा एच बी आर। ठीक है, एक बार और देख लो क्या करते हैं, जब हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को हीट करते हैं अल्कोहल में, तो वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन दिखाकर क्या क्या दिखाते हैं, आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, ये हमारा आइसोब्यूटाइलिन आ गया किसमें, अल्कोहल में, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, स्टडीज ऑन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में, शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेटेड ऑफ द एल्किल हैलाइड्स ओनली। तो देखिए हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इसकी काइनेटिक स्टडीज हमारे पास ये रिवील करती है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को क्या करती है, फॉलो करती है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, किसे ऑर्डर करती है, सॉरी किसे फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सिर्फ किसके, एल्किल हैलाइड के। और जो पहले वाला था वो जो तो प्रोपोर्शनल थी एल्किल हैलाइड और बेस के, जो E2 हमने एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन पढ़ी थी वो याद होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल थी, एल्किल हैलाइड और बेस के, और ये किसके है, ओनली एल्किल हैलाइड के। एक बार स्क्रीनशॉट लो या यहाँ लिख लो, यही रेट यहाँ दिखोगा, रेट ये RAT रेट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड ये लिख लो, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, क्या है ये RAT रेट प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड। अब लो स्क्रीनशॉट, तो अब उससे आगे ये लिखो जो हमने लिखा था, रेट प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड के बाद ये आ जाएगा हमारा, द रेट लॉ सजेस्ट दैट ओनली एल्किल हैलाइड इज टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दिस मीन दैट इवन रिएक्शन इज ए टू स्टेप प्रोसेस। जो हमारी E2 रिएक्शन थी वो हमारी क्या थी, वन स्टेप प्रोसेस थी, और ये क्या है हमारी, टू स्टेप प्रोसेस, क्या है इस पर अंडरलाइन कर लेना, टू स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैट आयन। तो हमारे पास जो रेट लॉ है वो सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट कर रहा है, कि सिर्फ एल्किल हैलाइड ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ कौन, एल्किल हैलाइड ही क्या करेगा, रेट डिटरमाइनिंग, सिर्फ एल्किल हैलाइड ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, किसके रिएक्शन के। इसका मतलब जो E1 रिएक्शन है वो टू स्टेप प्रोसेस है, क्या है, दैट मीन्स E1 रिएक्शन इज ए टू स्टेप प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कैटायन, तो इंटरमीडिएट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और वो इंटरमीडिएट होता है क्या, कार्बोकैट आयन। ठीक है, अब आगे देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये देखो ये रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है वो हम किस में पढ़ते हैं, काइनेटिक में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी होगा केमिकल काइनेटिक्स में, पहले इंटर में 12th में चैप्टर होगा। तो इसमें कितने स्टेप होते हैं, टू स्टेप होते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होती है एल्किल हैलाइड की आयोनाइजेशन,
क्या होती है, फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड की क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है और हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोकैटायन हमें प्राप्त होता है। ये स्टेप कैसा है, ये स्टेप स्लो है। क्या है ये स्टेप, स्लो स्टेप है, तो इसी वजह से ये हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है ये, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन है। यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये देखो जो हमने फर्स्ट स्टेप वो लिखा था उसके नीचे ये वाली रिएक्शन आएगी। इसमें क्या है, ये हमने ले लिया टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या है ये हमारा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये क्या है, स्लो स्टेप है और इसका नाम क्या है, ये आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या है, स्लो स्टेप है और इसका नाम क्या है, आयोनाइजेशन। और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। यही तो था फर्स्ट स्टेप में, हमें यही तो फॉर्म होता है, कौन क्या, कार्बोकैटायन। तो हमने क्या करा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को क्या करा, ये स्लो स्टेप है, आयोनाइजेशन कराया, तो हमें क्या मिल गया, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड स्टेप देखते हैं। अब सेकंड स्टेप देखो, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमारे पास प्रोटोन का रैपिड लॉस होता है और क्या होती है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये स्टेप कैसा है, ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप फास्ट है, इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। किस तरीके से, वो देखो, ये हमारे पास है, इसकी रिएक्शन देखो, ये आ जाएगा इधर, क्या ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एल्केन की, हो गई। साथ में क्या निकला है, साथ में निकला है प्रोटॉन, हो गया ये आपका। अब आगे देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन है जो भी आप बोलते हो। तो अब देखो, इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप स्लो है तो वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और सेकंड स्टेप फास्ट है तो वो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट ही नहीं करता है। समझ गए होंगे, क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, स्लो था, याद है ना, फर्स्ट स्टेप तो स्लो था, सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, फास्ट है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप स्लो होने के कारण वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये फास्ट होने के कारण वो रिएक्शन का क्या नहीं है, रेट, रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया होगा। तो इसका देखो, जो ईवन रिएक्शन है, अभी देखो यहाँ एक पॉइंट है, ये कुछ भी मान लो, कुछ भी, द केस ऑफ ईवन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, दीज इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन विच आर प्लानर केमिकल स्पेसिस, However, like E2 reaction, E1 reaction are also accompanied by substitution SN2 reaction. तो क्या है, इसमें हम देखते हैं जो E1 reaction है, इस E1 reaction है वो इतना easy तरीके से होगी, वो इस बात पर depend करती है कि carbocation की क्या stability कैसी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास stable होगा, क्या carbocation जितना ज़्यादा हमारे पास stable होगा उतना ही जल्दी वो क्या करेगा, बनना चाहेगा, मतलब उतनी ही जल्दी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगी, होना चाहेगी। कौन सी, ईवन रिएक्शन, ईवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन इन्वॉल्व्स है, क्या है, ये दीज इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन, ईवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन क्या है, इन्वॉल्व्स है, जो कि अपने आप में प्लानर केमिकल स्पेसीज है, क्या है, प्लानर केमिकल स्पेसीज है, और E2 रिएक्शन की तरह, E2 रिएक्शन की तरह E1 रिएक्शन में भी क्या होती है, E2 रिएक्शन की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है अलोंग विद एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी इसमें एक चीज समझ लो, जो हमें फर्स्ट स्टेप में वो जो कार्बोकैटायन वो हमें फॉर्म हुआ था ना, वो लिखा है या हमने, ये शुरू वाला जो है ये वो लिखा है हमने, ठीक है, वो हमें फॉर्म हुआ था फर्स्ट स्टेप में, वो हमने यहाँ लिखा है, ये फास्ट रिएक्शन है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन।
अब हम पढ़ेंगे सेट जेफ रूल, या इसको बोलते हैं जे सेल्स रूल। तो इसमें क्या है, अभी तक हमने पढ़ा या देखा कि अब हम एल्किल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होती है, एल्किन फॉर्म होती है। वही तो पढ़ा था, जब हम एल्किल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एल्किन मिलती है। तो अब मान लीजिए हमारे पास कुछ केस इस तरीके से है, किस तरीके से आया कि एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। क्या है, एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद हमारे पास जो डबल बॉन्डेड है वो टू पॉसिबल, क्या है, टू पॉसिबल डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में हम किसको, किस एल्किन को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। मतलब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसा एल्किल हैलाइड का, अगर हमने उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा तो हमारे पास ये आ गई, क्या आ गए, दो डबल बॉन्डेड, ये जिसमें डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन होगा। एक तरह से मान लो ये हमारे पास दो तरीके की एल्किन आ गई, तो इसमें किस एल्किन को हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। जब दो एल्किन आ जाएगी तो इसमें किस एल्किन में से कौन सी एल्किन को हम प्रीफर करेंगे। तो इस केस से जो ये केस है कि किसको प्रीफर करना है किसको नहीं करना, तो उस केस को निपटाने के लिए क्या, कौन सा रूल यूज़ करेंगे, सेट जेफ रूल। समझ में आ गया होगा क्या बोल रही हूँ मैं। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्किन विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड द डबली बॉन्डेड कार्बन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में हमारे पास प्रीफर्ड एल्किन वो होगी, कौन सी होगी प्रीफर्ड एल्किन वो होगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड क्या हो, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स होंगे। समझ में आ गया, हम कौन सी एल्किन को प्रीफर करेंगे जिसमें डबल बॉन्डेड एल्किल के अराउंड क्या हो, एल्किल ग्रुप ज़्यादा हो, ठीक है, समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो, ये क्या है हमारा, ब्रोमोब्यूटेन, ये हमारा क्या है, ब्रोमोब्यूटेन। इस पर लिख दूं मैं यहाँ ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ वही है जैसे हमने पढ़ रखा है, क्या हुआ, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा, ये यहाँ से प्रोटॉन को क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट। ये हमारा क्या है, एक इसमें एक अल्फा बॉन्ड है, ये अल्फा, बीटा, दो बीटा है, ठीक है, समझने के तौर पे देख लो, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो क्या करा है, आप प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा है, पहले वाली रिएक्शन पढ़ी थी उसमें समझ में आ गया, और इसी तरीके से है ये, यहाँ नेगेटिव भी है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ बीटा है ना, इधर को लिख देती हूँ, ये यहाँ, और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट कर गया। इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। ये है हमारे पास अल्फा कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम क्या है, डायरेक्टली अटैच है। ये क्या है हमारे पास, बीटा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। अब हमारे ये बीटा कार्बन, तो हमारे पास एक अल्फा कार्बन और दो क्या हो गए, बीटा कार्बन। अब ये एक केस तो इसमें हमारा ये हो सकता है, पहले आप ये समझो क्या हुआ, यहाँ से ये क्या हुआ, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुए, ये इधर आया और ये लिविंग ग्रुप क्या कर गया, इधर से डिपार्ट कर गया। एक तो केस ये हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट वाला, ये इसे भी फर्स्ट मान लो। तो इसमें क्या करा, ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 आ गया, प्लस KBr बाहर निकल गया और H2O। एक केस तो हमारे पास ये हो सकता है इस तरीके से जो भी हमने समझा। तो दूसरा केस देखो, इसका नाम लिख लो 1-butene, ठीक है, फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड यहाँ देखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं सेकंड। अब सेकंड स्टेप देखो, ये यहाँ से क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये क्या है, इधर क्या कर जाएगा, लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा। तो दूसरा केस हमारा ये हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KBr बाहर और H2O बाहर। तो इसका नाम लिख दूँ
2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। तो अब देखो हमारे पास दो एल्केन आ गई ना, दो केस हो गई है। तो हम क्या किसको प्रीफर करेंगे, जिसमें जो एल्किल ग्रुप है डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के पास चारों तरफ एल्किल ग्रुप जिसमें ज़्यादा होंगे उसी को क्या मानेंगे हम, उसी को हम करेंगे प्रीफर करेंगे, उसी एल्किन को हम प्रीफर करेंगे। तो अब हम किसकी हेल्प लेंगे, अब ये दो केस हो गए तो अब हम इसकी हेल्प लेंगे सेटजेफ रूल की। तो जो कहता है कि कौन सी एल्किन प्रीफर होगी डिहाइड्रोहैलोजन की रिएक्शन में, वो एल्किन प्रीफर होगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंडेड ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होंगे, एल्किल ग्रुप होंगे। तो अब देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, कार्बन पर क्या है ये 2 हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहाँ क्या है कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ क्या है एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है एल्किल ग्रुप है, ठीक है। कार्बन पे यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन पे क्या है एक हाइड्रोजन है और एक क्या है एल्किल ग्रुप, यह हमने देख लिया। अब यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन के पास देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन दिख गया, यहाँ हमें डबल बॉन्ड के पास जाना है जब पता करना है। तो एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, यह है क्या, इस पे एक एल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है, समझ में आया, ठीक है, क्या समझ में आया। हम डबल बॉन्डेड देखेंगे, इसके पास क्या है कार्बन, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक क्या है एल्किल ग्रुप है, ऐसे ही यहाँ देखो डबल बॉन्ड के पास यहाँ क्या है एक हाइड्रोजन है एक एल्किल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक एल्किल ग्रुप है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के चारों ओर ज़्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या करेंगे प्रेफर करेंगे। तो हमें पता चल रहा है इसके पास क्या है चारों तरफ ज़्यादा एल्किल ग्रुप है, तो इस एल्किल को हम प्रेफर करेंगे, ये हमें 80% और ये 20%, ठीक है, ये समझ आ गया होगा सेट ऑफ रूल क्यों था, कैसे था, समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर। तो दैट्स व्हाई क्या है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट हमारा आ गया है। तो आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, यहाँ पे ये 80% लिखा हुआ है, 80, ये हमारा 80% लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।